नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्टर, रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 30/8/21 से 5/9/21 तक के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है, और आगे आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए, मंगलकारी हो, इसकी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, की जनरल रीडिंग होती है, आप इससे कनेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाएँ तो इसको डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर कनेक्ट नहीं कर पाएँ अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के इग्नोर करें, क्योंकि मेन आपका फोकस आपके कर्म पर होना चाहिए, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये हमारे को एक GPS के तरीके से काम करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बढ़ना तो हमें खुद ही आगे बढ़ता है। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध आप सबसे कि आप सब मेरा YouTube चैनल जो देख रहे हैं उस दूसरों को भी शेयर करें, कि वो उसको सब्सक्राइब करें। मेरा Facebook पे, मेरा Instagram पे, Twitter पे, LinkedIn पे मेरे को फॉलो करें, जिससे कि आपको जो मेरे और भी वीडियोज़ हैं वो भी मिलते रहें। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि यानी कि एरिस राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एरिस राशि वालों की शुरुआत करते हैं करियर की और एजुकेशन की, क्योंकि कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि गुरुजी एजुकेशन के ऊपर भी बताया करिए, तो मैं एजुकेशन भी इस बार लेके साथ में चल रहा हूँ, नई चीज़ इस बार जोड़ रही है। तो एरिस राशि वालों के लिए अगर हम बात करें करियर की, तो करियर में अच्छा है, कुछ नया होता दिखाई दे रहा है आपके करियर में, या तो आप एग्जिस्टिंग जो भी अगर जॉब में है वहाँ पर आपका हो सकता है, कुछ प्रमोशन के भी चांसेस बन सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, हो सकता है जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको कुछ एलिवेशन मिले, कुछ रिकॉग्निशन ज़्यादा मिले, उसमें आपकी पे हाइक भी पॉसिबल है। कुल मिला के अगर बात करें करियर को लेके, काफ़ी अच्छा सप्ताह शुरू होता दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो कोई ना कोई आप नया बिजनेस हो सकता है, अगर आप डालने की सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, काफ़ी टाइम से उसमें लगे हुए थे, इस सप्ताह वो आपका शुरू हो सकता है। या एक ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आप किसी नए बिजनेस की लीव डालें, नींव डालें, इस बार फाउंडेशन डालें कि साहब ये मेरे को शुरू करना है, उसको आप शुरुआत करें। कुल मिला के नए काम की, नए ग्रोथ की, नए अचीवमेंट की शुरुआत है एरिस राशि वालों के लिए। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें, यस, जिन्होंने कहीं एजुकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको इस सप्ताह हो सकता है कॉल लेटर आ जाए, वहाँ पर एडमिशन हो जाए, जबकि अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुल रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, तो उसमें आपको यस आपको कॉल आ सकता है एरिस राशि वालों को। और अगर आप एजुकेशन में कुछ एक नई फील्ड आप चूज़ करना चाह रहे हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम। आप देखिए आपका पोटेंशियल क्या है, आप देखिए कि आप इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि केवल आप वो मत करिए जो सब जने कहते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है उसको करिए। अच्छा सप्ताह है अगर आप उसकी फाउंडेशन डालेंगे, शुरुआत करेंगे, उसमें अच्छा ग्रो करेंगे। अब अगर हम बात करें कि रिलेशंस की, एक तो एरिस राशि वालों के लिए रिलेशंस के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशंस हैं जो शायद आप बहुत टाइम से कैरी करके चल रहे हैं। अब यहाँ जब मैं कैरी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इट मीन्स वो रिलेशंस बहुत कॉर्डियल नहीं है, खराब भी नहीं है, कॉर्डियल भी नहीं है, तो ये समय है उसको एक बार उसको देखिए कि क्या वो अभी भी आपको कैरी करना ज़रूरी है। यू नीड टू स्टिक ऑन दैट रिलेशंस। ये एरिस राशि वालों के लिए डिवाइन मैसेज है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आज की डेट में अब मेरे को वो रिलेशंस नहीं रखने चाहिए, या तो वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है, या मैं उनके लिए सुटेबल नहीं हूँ, या मेरे को अब ये हार्मफुल है ये रिलेशंस, उनको छोड़ देना उचित है। ये आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है। अब अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में यस काफ़ी अच्छी स्थिति आ रही है एरिस राशि वालों के लिए। थ्रू आउट द वीक यू विल इंजॉय अ गुड हेल्थ। और अगर अभी आपकी थोड़ी बहुत कहीं तबीयत खराब चल रही थी, उसमें अच्छी रिकवरी होती दिखाई दे रही है। बाकी हेल्थ में लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यस, कीप एक्सरसाइजिंग एंड कीप डूइंग योगा, अगर आप योगा करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ।
जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ और इनके लिए कार निकले हैं। सेवन ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉरस राशि वालों की करियर की। करियर की अगर बात करें, एक तो आपके वर्क प्लेस पे आपका बहुत कंपटीशन इस बार होता दिखाई दे रहा है। कंपटीशन इन द सेंस कि आप किसी एक प्रोजेक्ट में हो सकता है दो तीन चार लोगों और आपस में ही कंपटीशन हो जाए। दूसरा, अगर आपका अपना बिजनेस है तो हो सकता है बिजनेस में कंपटीशन हो, कोई नया टेंडर लेने के लिए, कोई नया ऑर्डर लेने के लिए, कोई नया क्लाइंट को लेने के लिए, कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे कुछ कंपटीशन दिखाई दे रहा है और दिस वोंट बी अ हेल्दी कंपटीशन। दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। कंपटीशन होना अच्छी बात है, चैलेंजेस आना अच्छी बात है। जब हम चैलेंजेस को लेके आगे बढ़ते हैं तो हम अपना मैक्सिमम अच्छा दे पाते हैं, ऑप्टिमम दे पाते हैं। पर ये जो आपका कंपटीशन आ रहा है, ये आउट ऑफ जेलस आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप यू आर वॉचिंग माई वीडियो, नॉट योर कॉम्पिटिटर्स, ओके? यू स्टिक टू वॉट यू आर डूइंग। आप कोई भी अनएथिकल काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि शॉर्ट गेन के लिए, जैसे किसी के ऊपर ओवर रन नहीं कर जाएंगे, किसी को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जस्ट कीप मूविंग वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट इन वॉट एवर मैनर यू आर डूइंग, जस्ट कीप मूविंग, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इस वो जो पिटी कंपटीशन है उसमें आपको नहीं बढ़ना। वो जो जेलस वाली बात आ रही है, आपको जेलस नहीं करना। कोई आपसे करता है तो करे, क्योंकि जेलस किससे किया जाता है, जो सफल होता है। असफल लोगों से तो कोई जेलस करता ही नहीं है ना। तो आपसे इसलिए जेलस करेगा क्योंकि आप सफल हो, आप अचीव कर रहे हो, उनको भी इग्नोर करो। एक चीज और निकल के आ रही है टॉरस राशि वालों के लिए कि हो सकता है आपका मूवमेंट हो, आपका ट्रांसफर हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये भी संभव है कि उस ट्रांसफर के कारण आपका लोकेशन यानी कि रहने का भी प्लेस आपका चेंज हो जाए। ये पॉसिबिलिटी थी। अब अगर हम बात करें एजुकेशन की टॉरस राशि वालों के लिए, जो बच्चे मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं या अभी तक नहीं सुन रहे थे, जो मम्मी पापा सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को बोलें कि वो प्रोग्राम भी सुने अपने मोबाइल पे देख के, राइट? और वो भी सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ, स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, कि इसमें टॉरस राशि वालों के लिए एजुकेशन में निकल के आ रहा है कि यस, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब खुल रही हैं तो आपकी कॉल आ रही है आपके कॉलेज से कि वहाँ पर आपका फिर से सब कुछ शुरू हो रहा है। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अचीवमेंट की अगर लेके बात करें, एजुकेशन को लेके और कोई अचीवमेंट मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है टॉरस राशि वालों के लिए। बस एक ये जरूर है कि आप शायद मम्मी पापा का घर छोड़ के पीजी या हॉस्टल में शायद चले जाओगे, जहाँ पर अब आपकी प्रॉपर एजुकेशन शुरू होगी, जो कि पेंडेमिक की वजह से थोड़ी सी रुक गई थी। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आपको बाहर जाना पड़ता है, मम्मी पापा तो थोड़ा टेंशन में रहेंगे। आप उनको एश्योर करिएगा कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि अगेंस्ट नॉर्म्स होंगे, है ना? बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर एजुकेशन। एजुकेशन की तभी केयर कर पाएंगे जब आप हेल्दी रहेंगे, ओके? अब मैं बात करूं अगर टॉरस राशि वालों की रिलेशंस की, तो रिलेशंस में एक तो आपकी जो डिमांड है रिलेशन में, वो थोड़ी सी इस तरीके से लग रही है कि जैसे इस सप्ताह कोई नई एंट्री दिख रही है आपकी लाइफ में, पर वो एंट्री रोमांटिक नहीं होती दिखाई दे रही मेरे को। कोई डेटिंग नहीं, कोई रोमांटिक नहीं, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि ही और शी विल गो विद यू फॉर अ डिनर, फॉर आउटिंग, नहीं। पर यस, एक नया रिलेशन आ रहा है आपकी राय पे, वो रिलेशन ग्रो करेगा। अब भी स्टेबिलिटी आपको उसमें भी लानी है, ठीक है? क्योंकि वो एक सेंसिबल बंदा या बंदी है जो आपकी अभी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है, आती दिखाई दे रही है। तो उन रिलेशंस को वैल्यू करना सीखिए आप। बहुत जल्दी आपको किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचना है, वैल्यू करिए, स्मूथली चलिए, क्योंकि ही और शी इज़ वेरी नॉलेजेबल। आप जब जेल करेंगे, आपकी नॉलेज का, आपकी स्किल का जब मिलन होगा, तो उसके आउटपुट बहुत अच्छे होंगे। तो रिलेशन को थोड़ा सा आपको केयरफुली लेके चलना है। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, हेल्थ में थोड़ा सा एक मेरे को इश्यू पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि कार्ड इतना परेशान करने वाला नहीं है, पर मेरे को कुछ इंट्यूशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं
आपके साथ एक ऐसी दिक्कत आ सकती है जिसके लिए आपको अपना डॉक्टर चेंज करना पड़े। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि अगर कहीं कुछ थोड़ी सी भी हरारत होती है, स्टिफनेस आती है बॉडी में, या कहीं कुछ और पेन आता है, इन चीज़ों में जरा सा भी सिम्टम्स आता है तो तुरंत एक तो डॉक्टर कंसल्ट करिए, और अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशन पर हैं तो एक बार सेकंड ओपिनियन लेना ना भूलिए। आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको सेकंड ओपिनियन के लिए। दूसरा, अल्टरनेट थेरेपी के लिए भी आपको आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो अगर आप योगा भी नहीं करते हैं, नेचुरोपैथी में नहीं है, तो प्लीज़ फॉलो इट। योगा से बढ़ के कुछ भी नहीं है, नेचुरोपैथी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब आप उसको रेगुलर करोगे, यू विल लीड अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। सो ये था टॉरस राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं थ्री ऑफ वेंड्स, सिक्स ऑफ वेंड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड कार्ड फॉर जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। अगर हम लोग बात करें आपकी करियर की, करियर को लेके बहुत ही एनकरेजिंग कार्ड आया है आपका। करियर में आपकी इस सप्ताह ग्रोथ अच्छी होती दिखाई दे रही है। ये पर्टिकुलरली उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो कहीं अपना एक्सपेंशन ग्लोबली करना चाह रहे हैं। आप कोई भी अपना एक तो बिजनेस कोई भी बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, प्रमोशन आपको मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि ये सब में डायरेक्ट प्रमोशन का नहीं है, पर यस ये उनके लिए भी अच्छा कार्ड है जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि अभी भी बहुत मेरे पास फ़ोन आते हैं जो टैरो रीडिंग कराते हैं अपनी पर्सनलाइज, वो लोग पूछते हैं अपने जॉब को लेके, क्योंकि अभी भी कंपनी हायर कर रही है। ऐसा नहीं है कि कईयों को कहना है कि साहब ले ऑफ ज़्यादा हो रहा है, हो रहा होगा, पर अच्छे लोगों की आज भी डिमांड है। मेरे कितने ही क्लाइंट्स को अब भी रिसेंटली जॉब ऑफर हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे पैकेज के। तो कहीं पे भी इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपका जो अगर आपने अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए, तो आपको जॉब मिलता दिखाई दे रहा है, और अगर मिलता तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। आप अगर बिजनेस पर्सन है तो आपका बिजनेस एक्सपेंड होता दिखाई दे रहा है, एंड दिस एक्सपेंशन विल बी ग्लोबली ऑल्सो। अगर आप ऑनलाइन कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ऑनलाइन भी आपका सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ करना चाह रहे हैं, ये आपका पीरियड है, आपको हेल्प करेगा, आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। वो क्या आप करें ये तो आपके ऊपर है। अगर आपको मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए तो जो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस पर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर्सनलाइज टैरो रीडिंग करा सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के बच्चों की जिनके एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है जिन्होंने बाहर जाने के लिए अप्लाई किया हुआ था, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ने जा रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस सप्ताह उनको वहाँ से कॉल आ जाएगा, और हो सकता है जाना उनको पड़े, अभी जाना पड़े, ऐसा पॉसिबिलिटी है, राइट। वहाँ पर क्या कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी खुल रही है ये मेरी नॉलेज में नहीं है, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप में से कुछ लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था ऑफर आ सकता है ज्वाइन करने का। दूसरा, ये बाहर के लिए तो है ही है, विद इन इंडिया भी आप अभी तक मम्मी पापा के साथ हैं, आपने जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ था वहाँ से भी आपकी कॉल आने की संभावना है। एक ये भी संभावना है कि आप एक कोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके साथ एक कोर्स आप और परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अभी नहीं खुल रही है, कॉलेज आप नहीं जा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि कुछ और भी मैं ऑनलाइन करूं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप उसको करिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी, राइट। अब देखते हैं रिलेशंस की बात करें अगर जेमिनी राशि वालों की, तो रिलेशंस में लेके बहुत अच्छा कार्ड है। ये जब मेरे को मेरी टीचर सिखा रही थी, मैंने जिनसे सीखा डॉक्टर कुंती नागवेकर, तो वो इस कार्ड को बहुत ही इम्पोर्टेंस देती थी, क्योंकि ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके अंदर पोटेंशियल है। आपके अंदर रिलेशंस को मेंटेन करने की बहुत पोटेंशियल है। एक तो आपका इस सप्ताह नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, दूसरा वो रिलेशंस आपके केवल बनेंगे ही नहीं, आगे ग्रो भी करेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशंस आपके बन रहे हो या पर्सनल बन रहे हो। पर्सनल रिलेशन में भी काफ़ी इस बार मेरे को स्ट्रांग बॉन्डिंग होती दिखाई दे रही है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप, ओके। तो जो भी आता है, ऐसी स्थिति आती है इस हफ्ते, उसको देखे कि किस तरीके से अच्छे उन रिलेशंस को आप निभा सकते हैं,
रिलेशंस को निभाया जाता है, आजमाया नहीं जाता। ओके, अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, जेमिनी राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में एस सच तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि किसी ना किसी की आप हेल्थ में हेल्प करिए। हेल्थ में हेल्प करने का मतलब है कोई अगर नीडी है तो उसको मेडिसिन दीजिए, उसको हॉस्पिटल, किसी को ले जाना है उसको हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प करिए। हॉस्पिटलाइजेशन के अगर उसके पास एक्सपेंसेस नहीं है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वो एक्सपेंसेस जितने बियर कर सकते हैं करिए। सम अदर वे ट्राई टू हेल्प सम नीडी पर्सन हु नीड सम मेडिकल हेल्प। ये जब आप करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। दिस वॉज डिवाइन मैसेज फॉर जेमिनी राशि, मिथुन राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोल्ड, पेज ऑफ सोल्ड एंड थ्री सोल्ड। माय गॉड, ऑल थ्री सोल्ड। तो चलो देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या है करियर में। तो करियर को लेके अगर बात करते हैं तो यस, एक आप ऐसी पोजीशन पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपको कई डिसीजन लेने पड़ सकते हैं इस सप्ताह, इस हफ्ते, इस वीक। तो ये कार्ड आपको बोलना चाह रहा है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो बहुत ही रुथलेसली मत लीजिएगा, बी कंसिडर्ड, क्योंकि आपके एक डिसीजन से बहुतों को असर पड़ने जा रहा है। ठीक है, तो आप एक तो बाइस्ड होके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, किसी की फेवर मत करिएगा, क्योंकि एक का जहां हम फेवर करते हैं दूसरे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, तभी एक का फेवर करते हैं। जस्ट होके जो भी आपका विवेक बोलता है, आपकी नॉलेज बोलती है, आपका विजडम बोलता है, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। अल्टीमेटली वो डिसीजन आपके लिए अच्छा साबित होगा अगर आप अनबायस्ड और अनफेवरेबल डिसीजन लेते हैं। दूसरा, काम को लेके आप काफ़ी नियमों को पूरा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जितने नियमों को आप लेके चलते हैं उसको, नियमों को तो लेके चलिए पर उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। पोलाइट रहिए, ठीक है, नियमों को पूरा करिए, पोलाइट रहिए। उससे क्या होगा कि जो आप, क्योंकि आप नियमों को क्यों पूरा करते हैं, आपको पता है कि साहब ये नियम पूरे होने चाहिए, इट्स योर ड्यूटी, पर ये ड्यूटी के साथ साथ एक ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि यू शुड बी वेरी पोलाइट विद अदर्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यस, अभी थोड़ा सा आपको वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, तो अगर ये कंटिन्यू रख सकते हैं रखिए, आपको और अच्छा मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं कर्क राशि के बच्चों की जो अपने एजुकेशन से रिलेटेड जानना चाहते हैं, जो मेरे पास कई क्वेरी आती है कि सर थोड़ा एजुकेशन का भी बोलिए, हम लोगों को तो आप इग्नोर कर देते हैं, बच्चों के लिए क्या है, तो यस थोड़ा सा आपका जो एजुकेशन को लेके कैंसर राशि वालों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको सख्त समय मिले। सख्त समय का मतलब क्या है कि बहुत इजी गोइंग नहीं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वो आपके टाइमिंग ज़्यादा हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जो ऑनलाइन आपके कोच हों वो आप उतना उनके साथ एडजस्ट ना कर पा रहे हो, राइट, या ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो कोचिंग है वो आपको कुछ डिस्टर्ब कर दे बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनमें से कुछ कुछ पॉसिबिलिटी आ रही है एजुकेशन की। अदरवाइज अब भी कोई कैंसर राशि की, कर्क राशि की बात करें, कोई न्यू एडमिशन के लिए अभी कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बस यही आ रहा है कि पेशेंस बना के रखिएगा, गुस्सा मत होइएगा पढ़ने में। एक जो जैसे होता ना, एक तो काफ़ी टाइम से आप लोग घर पर बैठ के पढ़ रहे हो तो वो आपको एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है कॉलेज का, तो फ्रस्ट्रेशन होगा, आई डू अंडरस्टैंड, पर क्या है कि थोड़ा सा इस सप्ताह आपके लिए डिवाइन मैसेज है, थोड़ा सा कूल रहिएगा। और अगर लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, मत करो अटेम्प्ट, जैसे कॉलेज बंक कर देते हो एक दिन इसको भी बंक कर दो, इन्जॉय करो। म्यूज़िक सुनते हो म्यूज़िक सुनो, मूवी देखनी है नेटफ्लिक्स पे कहीं पर भी, जो मूवी पसंद है वो देख डालो, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, और फिर जब नॉर्मल हो जाए अगले दिन नई एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई फिर शुरू करो। ये थोड़ा सा आपके लिए इंडिकेशन था। अब अगर मैं बात करूं कर्क राशि वालों के लिए रिलेशंस की, इस रिलेशन में भी थोड़ा सा
रिलेशन में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशंस को लेके आप परेशान हो सकते हैं। उसने मेरे साथ गलत किया, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उनके साथ हमेशा अच्छा करता हूँ और करती हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, ये हो सकता है, बट इट्स अ टेम्परेरी फेज। अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था कि जनरल रीडिंग है, आप इससे रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर रिलेट कर पाए, ऐसा होए, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा। बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिव होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट इट, हो गया ना, उसका कोई रीज़न होगा इसलिए मेरे को उससे ऐसा बोला। ऐसा सोचोगे तो वो समय अच्छा सा निकल जाएगा, एक हफ्ते की बात है, करके देखो। और अगर आपकी बात करें कैंसर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है इस सप्ताह। अगर आप बाहर जाते हैं, स्पेशली टू व्हीलर पे, तो बी केयरफुल, हेलमेट हमेशा लगा के रखिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहिए, रैश ड्राइविंग मत करिएगा, ओवरटेक अननेसेसरी मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इंडिकेशन आ रहा है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर में जो फोर व्हीलर के अंदर होता है वो तो कंपेरेटिवली सेफ रह जाता है, जिसको हिट करते हैं उनको ज़्यादा डैमेज होती है। सो बी केयरफुल वाइल यू आर ड्राइविंग योर फोर व्हीलर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो सर्जरी की पॉसिबिलिटी आ रही है, कुछ ऐसा जो रिलेशंस की बात करी कि हो सकता है कि कोई आपको हर्ट करे, उसको बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल का मामला भी दिखाई दे रहा है। तो बी स्ट्रांग, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं हम लोगों की इस बड़ी सी जिंदगी में, राइट। इग्नोर जितना करके चलेंगे उतना आप हेल एंड हेल्दी रहेंगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैंसर राशि, सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले लियो राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। करियर में इमोशनली डिस्टर्बेंस होते दिखाई दे रहे हैं आप वर्क प्लेस पे, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे। सॉरी, ये भी संभव है कि वर्क प्लेस पे कोई आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करे, तो आप अपने को इमोशनली स्ट्रांग रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए। नया कुछ होता है इस सप्ताह लियो राशि वालों के लिए, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई नई ग्रोथ आ रही हो, कोई नया अचीवमेंट हो रहा हो, कोई सक्सेस स्टोरी इज गोइंग टू नो, ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा। पर जो दिखाई दे रहा है वो आपसे शेयर कर दिया, उसको थोड़ा सा केयर करके चलिए, क्योंकि अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए तो उसका असर आपके आगे रिलेशंस और हेल्थ पे भी पड़ेगा। अब देखते हैं वो रिलेशंस और हेल्थ के कार्ड क्या, अभी देखते हैं। उससे पहले बच्चों के लिए एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो लियो राशि, सिंह राशि वाले जो बच्चे मेरा सुन रहे हैं या जो मम्मी पापा सुन रहे हैं, अपने बच्चों को जरूर बोलें जो सिंह राशि वालों के लिए, यानी कि जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, उन बच्चों के लिए कि यस, वो भी इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं एजुकेशन को लेके। कई रीज़न हो सकते हैं, आपने फॉरेन स्टडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से कॉल नहीं आ रही, आपने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से कॉल नहीं आ रहा, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, आपको कहीं से बुलाया नहीं जा रहा, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, एंड यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। इट्स नेचुरल बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थिंग्स आर स्टार्टिंग मूविंग नॉर्मली, अब हर चीज़ नॉर्मल होती दिखाई दे रही है। जो बड़ों का या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए अब भी आप उतना ही मूव करें, क्योंकि आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अब भी अगर आप कमज़ोर पड़ गए, उनकी गिरफ्त में आ गए जो इधर उधर घूम के हम लोगों को अटैक कर रहे हैं, जो वायरस है, उनसे आपको अपने को बचा के रखना है। तो इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आपकी कॉल नहीं आ रही है। कॉल आ जाएगी, परेशान मत होइए, सही समय आने वाला है, शुरू हो रहा है, जस्ट हैव पेशेंस। अब अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, तो इट्स अ गुड न्यूज़, सम रोमांटिक रिलेशंस आर गोइंग टू स्टार्ट ड्यूरिंग दिस वीक। लियो राशि, सिंह राशि वालों के लिए लाइफ में कोई रोमांटिक रिलेशंस होता दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर अ बॉय,
Some beautiful girl, pretty girl is going to enter into your life. And if you are a pretty girl, some good looking, loving boy. Yeah, good looking का मतलब मेरा outer से नहीं होता है. Good looking means जो अंदर से बहुत अच्छा है, whether he or she. ऐसा आपकी लाइफ में एंटर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके लिए वो रिलेशंस काफ़ी अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं. तो आपको ये भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी एंट्री होती है तो आउटर ब्यूटी पे मत जाइएगा, उसकी इनर ब्यूटी देखिएगा. क्योंकि जैसे हिंदी में कहते हैं ना, सूरत से अच्छी सीरत होती है. तो आप सीरत पे, यानी कि उसके करेक्टर पे जाइएगा. सूरत तो थोड़े दिनों बाद ढल जाती है. इट इज़ ओनली स्किन डीप, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप. ओके, तो यस, उस रिलेशंस को आप संभाल के रखिए, उनको रेसिप्रोकेट करिए और रिस्पॉन्ड करिए उसको. जो ज़रूरत है उस रिलेशन की, उस हिसाब से करिए. आपके वो रिलेशंस आगे जाके काफ़ी अच्छे होंगे. अब अगर बात करें लियो राशि की हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है. जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, खासकर वो अगर अभी बीमार चल रहे थे, इस सप्ताह मंडे ट्यूसडे से ही, एकदम मंडे से ही मेरे ख्याल एकदम वो फिट एंड फाइन हो जाएंगे. विद न्यू एनर्जी दे विल स्टार्ट देयर वर्क. एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा मेरे को उनका दिखाई दे रहा है. तो ये था हेल्थ को लेके लियो राशि वालों के लिए. कुल मिला के अच्छा सप्ताह है. सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि तुला राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ. और आपके लिए कार्ड निकले हैं फाइव ऑफ कप, द डेविल एंड द हर्मिट. वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड फॉर कन्या राशि, वर्गो राशि वालों के लिए. जो भी सुन रहा है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले अगर हम बात करें करियर की आपकी, तो करियर में कहीं ना कहीं आपको वर्क प्लेस पे कुछ परेशानी आती दिखाई दे रही है. हो सकता है आप जितनी मेहनत कर रहे हों उतना आपको आउटपुट ना मिल रहा हो, आपको रिकॉग्निशन ना मिल रहा हो, आपको उतनी कंपनसेट ना कर रहा हो आपकी कंपनी. पर रेस्ट एश्योर कि अगर आपको कंपनी दे रही है दैट इज़ सफिशिएंट. क्योंकि अभी जो समस्या चली, जो समस्या आपके साथ है वो कंपनियों के साथ भी है, उनके सामने भी सर्वाइवल का प्रश्न आया हुआ है. ठीक है, तो आप उस चीज़ को समझिए, क्योंकि आपके पास कुछ है जो अभी दूसरों के पास नहीं है. हो सकता है कुछ उन्होंने पे कट किया हो, आप उसको लेके परेशान मत होइए. पे कट है, मिल तो रही है ना, इट्स ओके, राइट. और अगर आप में से किसी का जॉब इस सप्ताह छूटता है तब भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी कैपेबिलिटी के कारण आपको दूसरा जॉब भी ऑफर हो सकता है. मेन बात है कि आपको निराश नहीं होना है. जो कार्ड आपको मैसेज देना चाह रहा है, जो आपके साथ अब भी हुआ लास्ट वीक या इस सप्ताह शुरू में जो हो सकता है, उसके लेके आपको निराश नहीं होना, परेशान मत होना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों. सबके साथ हो रहा है, आपको केवल अपने बारे में पता है, केवल इतना अंतर है. तो थोड़ा सा एनर्जी ले भी बना के रखिएगा. खासकर जो बिजनेस पर्सन है, जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं बिजनेस पर्सन, ये उनके लिए भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो उन्होंने कहीं नए बिजनेस की अप्लाई किया था वो बिजनेस हो सकता है छूट जाए उनका. कहीं पर उन्होंने कुछ माल सप्लाई किया था हो सकता है वो माल उनका वापस आ जाए. तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से थोड़ा बहुत नुकसान हो, पर ये नुकसान उनका परमानेंट नहीं होगा. वो माल कहीं ना कहीं और एडजस्ट हो जाएगा, तो इस टेम्परेरी फोर्स को लेके परेशान नहीं होंगे. अब अगर बात करें वर्गो राशि कन्या राशि वालों के बच्चों की, जो अभी एजुकेशन में है, तो ये आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपकी कॉल नहीं आ रही है बहुत टाइम से, आप लोग परेशान हो सकते हैं. परेशान मत होइए, जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी आपको कॉल आने वाली है, कॉल आ सकती है. दूसरा, आपको ये लग रहा होगा कि साहब मेरे बड़े भैया, बड़ी सिस्टर या पापा लोग देखो कॉलेज में जाते थे, हम तो कॉलेज नहीं जा पा रहे, हम तो स्कूल नहीं जा पा रहे, व्हाट इज़ दिस लाइफ. पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप उन सबसे बहुत अच्छे हो जो ऑनलाइन पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, जिनके पास ये फैसिलिटी भी नहीं है फॉर सम अदर रीज़न. तो से थैंक्स टू गॉड कि आपके पास कम से कम ये फैसिलिटी है. ठीक है, थोड़े दिनों में स्थिति बदल जाएगी, इस चीज़ को आप परेशान नहीं होंगे, मेरे से प्रॉमिस करिए आप.
ये छोटी सी चीज़ को लेके परेशान नहीं होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है ना, कमेंट सेक्शन में लेके पूछिएगा, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, अब बात करते हैं आप वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की रिलेशनशिप की। रिलेशन को लेके थोड़ा सा इस सप्ताह एक प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है ये महसूस करो कि आप रिलेशंस में बंधे हुए हो, आपको कुछ रिलेशंस बांधे हुए हैं। बांधे हुए इन द सेंस, एक तो बंधन बड़ा अच्छा होता है, अभी जैसे निकला 22 तारीख को रक्षाबंधन, बहुत खुशी से हम लोग मनाते हैं। एक बंधन ऐसा होता है जिसको सिर्फ हम कैरी और कैरी करते हैं, एक बोझ ढोने वाली बात होती है। हम उस रिलेशन से चिपके हुए हैं क्योंकि हम उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द टाइम, अगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है आपके अंदर दूसरों को लेके, पहले बात तो है कि देखिए आप में भी कुछ नेगेटिविटी है, दूसरे में भी नेगेटिविटी है, आप अपनी और दूसरे की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करो। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं ना आप, कोई नहीं है इस धरती पे। जो आया है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो जिनके साथ आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं उनकी नेगेटिविटी को आप एक्सेप्ट करो। उनकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने के साथ अपना इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप में कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है, आपने कब कब उनको हर्ट किया, आपने कब कब उनके लिए बुरा भला शब्द कहा, डायरेक्ट नहीं कहा, सोचा, एक्चुअल में तो आपने नेगेटिव थॉट्स निकाल दिए ना। थॉट्स आर मोर हार्मफुल देन योर वॉइस, है ना, दीज आर लाइक पॉइजन एरो, तो डोंट डू दिस थिंग। और अगर आपको वास्तव में इतना लगता है कि ये बंधन है आपको, तो फिर तोड़ दीजिए ना बंधन, या तो अपने अंदर की वो नेगेटिविटी छोड़ दीजिए या बंधन छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपके इन रिलेशंस के कारण आपके करियर पे भी असर पड़ेगा और आपके जॉब हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ेगा। बी केयरफुल। अब अगर बात करते हैं कन्या राशि वालों की हेल्थ की, शायद रिलेशंस को लेके आपके हेल्थ के ऊपर भी असर आ रहा है। आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं, डिप्रेस रह सकते हैं, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है कि साहब मेरी हेल्थ क्यों खराब हो रही है। अगेन कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है इंट्रोस्पेक्ट, गो इनसाइड। बाहर ये चीज़ें मत ढूंढो कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ आपके अंदर है और आपका रिलेशनशिप में कार्ड ने भी बताया नेगेटिविटी इज इन यू। दूसरों की नेगेटिविटी मत देखो, अपनी नेगेटिविटी देखो, जब उसको हटा दोगे यू विल बी दी बेस्ट पर्सन, या यूं को यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर ऑलरेडी बेस्ट पर्सन। थोड़ा सा नेगेटिविटी के कारण आप में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं या गलत आप महसूस कर रहे हैं, लोगों को गलत बिहेव कर रहे हैं, राइट? इंट्रोस्पेक्ट करिए। अगर आपको लगता है कि अभी आपको मुश्किल हो रहा है, मेडिटेशन में जाइए। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना आप अंदर जाओगे कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, और उस सबसे पहला काम है उसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करेंगे आपका टेंशन दूर होगा, डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे, देन यू विल लीड ए हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ। अदरवाइज इन्हीं चीज़ों में आप उलझ के रह जाओगे, ठीक है। भले ये एक हफ्ते का कार्ड है, पर अगर आपको इस कारण स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो वो कैरी होगा, है ना। तो इसको इसी हफ्ते खत्म कर दो, बढ़ो आगे, अच्छे से बढ़ो। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। तो अगर लीब्रा राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए हम लोग करियर की बात करें, तो यस, इट्स अ हैप्पी कार्ड। आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है इस वीक, इस सप्ताह आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है। आपको वर्क से रिलेटेड आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, कुछ आपके इंक्रीमेंट मिल सकता है, कुछ इंसेंटिव आ सकता है। आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, प्रमोशन मिल सकता है। अगर आपने अब तक जॉब नहीं मिला, जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो मिल सकता है। आप अगर बिजनेस पर्सन हैं, आपने कहीं नए बिजनेस अपने विंग्स फैलाने की कोशिश की थी, वो आपको मिल सकती है। कुल मिला के करियर को लेके आपका कुछ ऐसा समय आ रहा है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे अपनी फैमिली के साथ, अपने मिलने वालों के साथ। खुशी का समय करियर को लेके, और ये प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी आपकी लाइफ में, राइट? अब अगर मैं बात करूं बच्चों की, लीब्रा राशि वाले बच्चे जिनका जन्म यानी कि 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में जिन बच्चों का जन्म हुआ, वो अगर अपनी एजुकेशन को लेके चिंतित है, तो गुड न्यूज़ फॉर देम,
आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। अभी तक जो आप एक 1.5 साल से एक मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। अगर आपके सेमेस्टर के रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है एंड यू विल इंजॉय दैट रिजल्ट विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। अगर आपका कहीं आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो बी श्योर कि इस सप्ताह आपको वो उसकी न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है कि आपका एडमिशन होगा। तो दिस इज वेरी गुड कार्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। अब अगर बात करें रिलेशंस की तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए रिलेशन में आप जितना लोगों के साथ अच्छे से चलना चाहते हैं, ये एक जनरल टेंडेंसी हो रही है कि लोग उतना आपको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे इस सप्ताह। होता है सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कि हो सकता है उनकी कोई पर्सनल रीज़न हो जो आपको वैसा रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा आपको सेंटीमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको वैसा रिस्पॉन्स ना मिले। आप एक अच्छी पोजीशन के हैं। आपका रिलेशन इस सप्ताह हो सकता है कहीं ना कहीं जज से आपका रिलेशन इस बार बढ़ सकता है, जज से या एडवोकेट से आपके रिलेशंस इस सप्ताह कहीं बढ़ सकते हैं। मीन्स ये प्रोफेशनल रिलेशंस का ग्रो करने का सप्ताह दिखाई दे रहा है। पर्सनल रिलेशंस की इस सप्ताह लिब्रा राशि वालों के लिए कहीं कुछ बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं आ रहा है। तो पर अच्छा है ये जो रिलेशन होंगे, ये जो भी नई रिलेशन अगर बनते हैं तो वो काफ़ी अच्छे लेवल के व्यक्ति के साथ होंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका करियर वाइज। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो ये जो पहले बात हुई थी ना कि आपका सेलिब्रेशन होगा वर्क प्लेस पे या एजुकेशन को लेके, वो लगता है सेलिब्रेशन आपका कुछ ज़्यादा हो जाएगा जिसके कारण कुछ आपकी हेल्थ में इशू आता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा। सेलिब्रेशन करना बहुत अच्छा है, इंजॉय करना बहुत अच्छा है, पर सोच समझ के खाइएगा। बाहर जाएं तो प्रिकॉशन लेके जाइएगा। वो जो कहते हैं ना, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, मास्क लगा के, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है आपका सेलिब्रेशन के बाद हेल्थ खराब होती दिखाई दे रही है, तो हो सकता है उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर हो। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। वो प्रिकॉशन लेंगे तो हो सकता है ये सप्ताह आपका ठीक से निकल जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिब्रा राशि। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप, डेथ एंड द स्ट्रेंथ। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें रिलेशनशिप को, सॉरी करियर की, सबसे पहले हम लोग करियर का कार्ड लेते हैं। करियर की अगर बात करें तो यस, अच्छा है करियर का कार्ड लेके। एक तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनकी फीमेल बॉस है। आपको कहीं ना कोई फीमेल बॉस जो भी आपकी है वो आपको सपोर्ट करेगी। इवन आपकी कोई फीमेल कलीग है उससे आपको हेल्प मिलेगी। और अगर ये स्थिति आपके साथ नहीं बन रही है तो घर में आपकी मदर, क्योंकि कोई ना कोई जो आपसे बड़े लेवल की लेडी होगी वो आपको सपोर्ट करती दिखाई दे रही है प्रोफेशनली। तो ये उनके लिए भी बड़ा अच्छा कार्ड है जो अपने स्टार्टअप कर रहे हैं, जिनका नया बिजनेस शुरू हो रहा है, उनको मदर उनकी फाइनेंशियली हेल्प करती दिखाई दे रही है। तो अगर अब तक नहीं करी है ना तो थोड़ा सा मम्मी को मस्का लगा लो, हेल्प करेंगी वो, क्योंकि अल्टीमेटली हर माँ चाहती है उसके बच्चे को सफलता मिले। आपको सफलता मिल रही है, अच्छा आपका ग्रोथ होता दिखाई दे रहा है, स्टार्टअप अच्छा जा सकता है। पर यस, एक ये कार्ड और इंडिकेट कर रहा है कि आप क्योंकि आप एक तो काम में बहुत ही नॉर्मल टाइप के, नॉर्मल इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उसको पेन नहीं लेते हो, आप इंजॉय करते हो काम करने में, यानी कि जैसे कोई खेल को इंजॉय करता है आप ऐसे काम को इंजॉय करते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। इसको थोड़ा सा आपको बना के रखना है, क्योंकि आपके मन में हो सकता आ सकता है कि मैं घर से ही ये काम कर लूँ। तो आज के डेट में तो ये स्थिति फेवरेबल है आपकी, पर हो सकता है लॉन्ग रन में ना हो, तो उसका अल्टरनेट आप सोच के रखिएगा। अब भी आप फॉर द टाइम बीइंग अगर घर से कुछ शुरू कर रहे हैं काम, उसको करिए, अच्छा जाएगा। अब अगर मैं बात करूं वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि वाले बच्चों की, यानी कि उन बच्चों की जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, तो मम्मी पापा जो सुन रहे हैं उनके बच्चे अगर इस डेट में पैदा हुए हैं तो उनको बोलिएगा वो भी अपने मोबाइल से इसको सुने, इंडिपेंडेंटली सुने।
तो यस आप बच्चों को ये जरूर मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मम्मी का कहना इस सप्ताह जरूर मानना, क्योंकि मम्मी ही वो आपकी गाइडिंग स्टार है जो आपको सही गाइड करेंगी। और जहाँ पर आप इस सप्ताह, क्योंकि हो सकता है इस सप्ताह आप कहीं ना कहीं आप फंस जाओ, हो सकता है फीस पेमेंट में आपको कोई दिक्कत आए, कहीं कुछ समझने में कुछ चीज़ें दिक्कत आए, तो या तो आपकी कोई लेडी टीचर फेवरेट होंगी, लेडी टीचर है ना, तो कोई ना कोई लेडी टीचर या मॉम आपकी वो आपको हेल्प करेंगी, उस स्थिति से आपको निकालने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आप वैसे भी हमें अपने मदर का, अपने टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये स्कॉर्पियो राशि के बच्चों के लिए बहुत स्पेसिफिकली निकला है कि आप अपनी मॉम और अपने टीचर को बहुत रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हो सकता है इस सप्ताह कहीं आप थोड़े बहुत उलझ जाएं, फंस जाएं, आपको ये दो व्यक्ति उससे स्मूथली बाहर लेके निकल जाएंगे। कहीं पर भी किस रूप में भी फंसेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। अब अगर हम बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों की रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशन को लेकर देखिए, तो ये आप मानेंगे कि लाइफ में हर चीज हर बार अच्छी नहीं होती है, हर रिलेशन हमारे साथ हमेशा रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है कि शायद कोई रिलेशंस आपके खत्म हो जाए। ठीक है, चाहे वो कितने भी पुराने चल रहे हो या नए बने हो, कोई आपकी फ्रेंड, कोई आपकी फियांसी, कोई आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी ऐसा रिलेशन आपको छोड़ सकता है। तो आपको ये मेरा सजेशन है, जो जो भी इस प्रोग्राम को मेरा सुन रहा है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो पहली बात तो अपने को उस पे आपको डुबोना नहीं है कि अरे यार मेरे साथ क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा दो सेंस में हुआ, क्योंकि अगर वो रिलेशंस बना के रखने वाली होती है, रखने वाले होते तो आपको छोड़ते ना वो। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से प्यार किया है तो आप ब्लेस करो ना उसको कि भाई तू जहां रह खुश रहे, सुखी रहे, क्योंकि क्या होगा कि ब्लेसिंग्स क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो आपको कौन सी मिलेगी, पॉजिटिव। आप उसको कहोगे तुम सुखी रहो तो यूनिवर्स आपको क्या कहेगा, तथास्तु, सुखी रहो। तो आप उसको ब्लैक करिए, कर्स मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। अधिकतर लोग जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, मैं उन सबसे बड़ा हूंगा एज में भी, राइट। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से सिंसियरली एडवाइस दे रहा हूँ, उनको कर्ज मत करिएगा, उनको केवल और केवल ब्लेस करिएगा कि वो सुखी रहे, जिसके साथ रहे सुखी रहे, अल्टीमेटली सुख आपको फॉलो करेगा, राइट। अब अगर बात करते हैं, सॉरी, आपके हेल्थ की, हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा सा ये कार्ड वॉर्न करना चाह रहा है कि हेल्थ में थोड़ा सा आप प्रिकॉशन लेके चले, अपना डाइट कंट्रोल करेंगे आप। देखिए, अब तक अगर आप पूरा प्रोग्राम सुन रहे हो, ये चीज़ और किसी की नहीं निकली, स्कॉर्पियो आपकी निकली है ना, वृश्चिक राशि वालों के लिए। आप अपना डाइट का बहुत कंट्रोल करोगे, गुस्से पे कंट्रोल करोगे आप, ठीक है, लोगों से प्यार से बिहेव करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है इसका असर कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाए, जिसके कारण आप डिप्रेशन में आओ। तो बहुत क्लियर मैसेज है, डिवाइन मैसेज आपके लिए कि उसको आप जो है बहुत अच्छे से करके चलिए, प्यार से रहिए और लोगों के साथ मिलजुल के रहिए, जिसके जो काम आ सकते हैं आइए, उसका असर आपके दिमाग पे जाएगा, पॉजिटिव जाएगा और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड, सॉरी, सेगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंड्स एंड द हेरोफेंट। तो सबसे पहले सेगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए करियर की बात करते हैं। करियर के लेके अगर बात करें तो अच्छा सप्ताह है। यस, कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है काम को लेके, आउटपुट को लेके, रिजल्ट्स को लेके, पर आप में जो कैपेबिलिटी है एक साथ एक से ज़्यादा काम को हैंडल करने की, वो आप बहुत इफेक्टिवली इस सप्ताह भी करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको उसका आउटपुट अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, वो आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा, तो उस वर्क का आउटपुट अच्छा क्या होता है, अल्टीमेटली गेन होता है वो, तो आपको कहीं ना कहीं उसके गेन मिलेंगे, राइट। दूसरा, आप ये जो दो काम एक साथ हैंडल करोगे, वो दोनों काम आपको अच्छा फल देंगे,
ना, जैसे मैं अगर बात करूं कि आप आईटी में अच्छे हो, आईटी एक्सपर्ट हो आप, साथ के साथ आपकी मार्केटिंग अच्छी है, तो हो सकता है आपका डिपार्टमेंट बोल दे कि आप आईटी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप में जो दो कैपेबिलिटी हैं, तीन कैपेबिलिटी हैं, और ये जो कैपेबिलिटी है उसको अच्छे से हैंडल करने की, आप उसको बहुत अच्छे से करोगे तो करियर आपका इस सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा, उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको गेन अच्छा होता दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस पर्सन हो, आपका हो सकता है नई कोई एजेंसी ले लें आप साइड बाय साइड, एक पुरानी एजेंसी चलती रहेगी, नई एजेंसी ले लेंगे आप, चाहे जिस भी फील्ड के बिजनेस मैन हो, कुल मिला के आपको अच्छा ये सप्ताह दे के जाएगा। अब अगर बात करें सेगिटेरियस धनुराशि वाले बच्चों की, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और जो मम्मी पापा सुन रहे हैं अपने बच्चों को जरूर बोलें कि वो अपने मोबाइल से देखें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, तो उनके लिए यस बहुत अच्छी न्यूज़ है सेगिटेरियस बच्चों की कि इस सप्ताह हो सकता है कि वो कोई एक और कोर्स ज्वाइन करें जिसका कि लॉन्ग रन में उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यानी कि एक तो अभी एक्सट्रीम तो पकड़े हुए हैं, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, से वो बी ऑनर्स कर रहे हैं जो भी सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ हो सकता है कोई वो डिप्लोमा कर ले, इंडियन या फॉरेन कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं, क्योंकि यूके यूएसए यहाँ की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ऑनलाइन कोर्सेज अभी बहुत करा रही हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज 3 मंथ्स 4 मंथ्स ये सब बहुत करा रही हैं, वो आप इस बार नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो आपको ये फायदा देके जाएगा, राइट। अगर ऐसा ऑफर आता है तो उसको करिएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं, आपके लिए एक मैसेज है सेगिटेरियस के बच्चों के लिए। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, धनु राशि वालों के लिए रिलेशंस की, तो रिलेशंस के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है, आपके नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, नए बिजनेस रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, और वो बिजनेस रिलेशन काफ़ी आगे जाएंगे और उससे आपकी ग्रोथ भी होगी, बहुत मजबूत रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। यस, इसमें पर्सनल रिलेशन, रोमांटिक रिलेशन, लव रिलेशन इस सप्ताह ऐसा कोई भी सीन नहीं बन रहा है धनु राशि वालों के लिए, पर प्रोफेशनल रिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है आप लोगों का, ऐसा होता है तो उसको जरूर संभालिएगा, उसको जो तरीके से आप संभाल सकते हैं संभाल के ग्रो होने में आप भी मदद करिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, अपनी ईगो बीच में मत लाइएगा। अब अगर बात करें धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ में कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि कुछ इश्यू आए, आपके लिए सजेशन है कि जहाँ कुछ हल्की सी भी हरारत होती है, हल्की सी कुछ डिस्टर्बेंस होती है, तुरंत आप गाइडेंस लो मेडिकल की, एकदम क्लियर है। अब भी आपकी ऐसे कोई बहुत भयंकर नहीं होने जा रहा है, पर यस आपके जो भी सिम्टम्स आते हैं उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, टाइमली कर लेंगे स्मूथली निकल जाएगा, अगर आप टाइमली मेडिकल हेल्प नहीं लेंगे तो दैट मे क्रिएट ए प्रॉब्लम। ये केवल आपके लिए डिवाइन मैसेज है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट धनु राशि सेगिटेरियंस, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ सोल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए करियर की बात करते हैं। करियर में कहीं ना कहीं आपको जो ऑफिस प्लेस पे है, कुछ आपका जो आपके साथ के जो लोग हैं वो आई डोंट नो व्हाई थोड़ा सा वो जेलस कर सकते हैं, खासकर अगर कुछ ऐसा है कि जो आप अच्छा अगर काम कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं, तो कुछ ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव तो नहीं करेंगे, जेलसी फैक्टर ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सफल हो रहे हो, आप जो प्लानिंग कर रहे थे, जैसे जैसे काम कर रहे थे वैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको लेके कुछ आपके जो कलीग्स हैं वो हो सकता है, कुछ सब नहीं, पर उसी में से एक फैक्टर ऐसा भी आ रहा है, एक ग्रुप ऐसा आ रहा है जो आपकी तरफ हमेशा देखता है कि आप उनको गाइड करो, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आ रही है। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक के साथ ये दोनों होगी, आपके साथ अगर ए वाली है तो बी वाली नहीं होगी, बी वाली हो रही तो ए नहीं होगी, दोनों आपके साथ नहीं होगी, तो जो अगर पहले वाली स्थिति आती है आपके साथ तो थोड़ा सा अपना
काम बना के रखिएगा, नॉर्मल रहिएगा, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दूसरी पोजीशन आती है, आपसे लोग गाइडेंस मांगते हैं, तो खुल के गाइडेंस दीजिएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको ग्रो करने में सहायता करेगी। क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है अच्छा चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कंप्लीट होने वाला दिखाई दे रहा है, उस स्थिति में अगर आपकी स्टाफ से, डिपार्टमेंट से, किसी से थोड़ी अनबन हो जाती है, तो वो आपके काम पे उल्टा असर डाल सकता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप हैंडल करिएगा। प्लस बहुत हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आप कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हो जिससे लोग हर्ट हो जाते हैं। तो शब्दों को अपने आप कंट्रोल में रखिए, बहुत सोच समझ के बोलिए। एक बड़ा अच्छा, मेरे को आप लोग शायद मीम बोलते हैं, दिखाई दिया अभी मेरे को, या कार्टून बोलते हैं, कि एक स्कल मतलब पूरा आदमी का फेस बना हुआ है, एक उसका दिमाग से प्लग निकला हुआ है लगा हुआ, और दूसरा एक उसके टंग पर है, और उसमें कहा हुआ है कि एंश्योर टू कनेक्ट इट बिफोर यू स्पीक, कि जब भी आप बोलो तो सोच के बोलो यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आपको भी यही करना है, क्योंकि आपके शब्द लोगों को, आपका बोली लोगों को हर्ट कर देती है, बी केयरफुल अबाउट दैट। अब अगर बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले बच्चों की, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, उनके लिए यस बहुत कोई डेवलपमेंट लेके एजुकेशन में ये सप्ताह आता दिखाई नहीं दे रहा है। नॉर्मल जैसे जो स्थिति चल रही है उनके लिए एजुकेशन में वही है, कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा चेंज होता नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ नया अगली बार चेंज हो, तो जैसे आप अपना अच्छा कर रहे हैं उसको करते रहिए। नो ग्रेट कार्ड फॉर एजुकेशन फॉर आवर चिल्ड्रन, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। अब अगर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं रिलेशंस की, तो रिलेशंस आपको शायद इस सप्ताह थोड़े से डिस्टर्ब करें इमोशनली। इमोशनली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं रिलेशंस में, कोई ना कोई आपको हो सकता है हर्ट करे। पहली बात तो आप इंट्यूटिव होकर डिसीजन लीजिए कि वो जो मेरे को हर्ट कर रहा है, कि उसने सोचिएगा, दिमाग तो हमेशा उल्टा ही बोलेगा ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सही बोलता है। तो जो पहली बार आपका है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं है, उसी को आप सही मानिएगा पहली बार। दूसरा, इमोशनली डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, एक बैलेंस बना के चलेगा, ये कार्ड बोल रहे हैं आपको, आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि इमोशनली बैलेंस होना है। तीसरी चीज़ है अपने फिजिक और इमोशंस, यानी कि अपनी हेल्थ को और इमोशंस को, दोनों को आपको बराबर रख के चलना है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, बहुत ज़्यादा किसी पे लाड नहीं उड़ेल देना है, बहुत ज़्यादा किसी के लिए काम करने के, काम करिए जितनी हेल्प कर सकते हैं करिए, पर बहुत ज़्यादा शब्द कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। आपका यह सप्ताह रिलेशंस वाइज ठीक निकल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में आप थोड़े से जिद्दी टाइप के दिखाई दे रहे हैं मेरे को इस सप्ताह हेल्थ को लेके, कि नहीं यार मेरे को कुछ नहीं होने का। थोड़ी सी आपको अगर हरारत भी हो गई, फिर विश बॉडी हो रही है, नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, पर समय रहते एक तो प्रिकॉशन ले लीजिए। दूसरा, आपकी जो हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती मेरे को दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑफ होल्डिंग समथिंग, आप चीज़ों को पकड़े हुए हो, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन इस सप्ताह हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की आपको बीमारी इस सप्ताह हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी नी में स्टिफनेस हो सकता है। तो चीज़ों को रिलीज कर दीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, इंजॉय करिए, आपको ये कॉन्स्टिपेशन और जो स्टिफनेस की प्रॉब्लम आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। तो बाकी बहुत बड़ा कोई हेल्थ को लेकर इश्यू नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ल्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। बहुत ही अच्छे कार्ड कुंभ राशि वालों के लिए, आई थिंक ये अभी तक जितनी 10 राशियों के हुए सबसे अच्छे कार्ड हैं इसके। अगर हम करियर की बात करें, फुलफिलमेंट ऑफ गेम, यानी कि जो जो आप चाह रहे थे इस सप्ताह मिलता आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज द अल्टीमेट कार्ड ऐसा बोला जाता है, जो वर्ड है कि इसके आगे कुछ नहीं, यानी कि जो आपको अगर ड्रीम जॉब कुछ आपने अप्लाई किया हुआ था वो आपको मिल जाएगा, प्रमोशन अप्लाई की हुई थी वो मिल जाएगी, किसी के साथ बिजनेस आप करना चाह रहे थे वो बिजनेस हो जाएगा, कोई आपको सोच रहे थे कि ऐसा मेरे को क्लाइंट मिले वो आपको वैसा क्लाइंट मिल जाएगा। कुल मिला के गेन का, प्रॉस्पेरिटी का,
हैप्पीनेस का अचीवमेंट का कार्ड है एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये सप्ताह, यानी कि 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। अब अगर हम बात करें एजुकेशन के, उन बच्चों के जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, एजुकेशन को लेके भी यस, अगर आपके कुछ रिजल्ट पेंडिंग थे वो रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि सेमेस्टर्स कई लोगों के शुरू हो चुके हैं जैसा मेरे को बताया गया है, तो आपके रिजल्ट अगर पेंडिंग है वो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था, आप बाहर जाना चाह रहे थे, वहाँ से ऑफर आ जाएगा, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जुड़ना चाह रहे थे वो हो जाएगा। कुल मिला के एजुकेशन के लिए जो जो बच्चे जहाँ रुके हुए थे वो रुकावट उनकी दूर होती दिखाई दे रही है, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा कार्ड है एक्वेरियस राशि वालों के लिए करियर एंड एजुकेशन को लेके। अब अगर रिलेशंस की बात करें, अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर रिलेशंस। आपके जो रिलेशंस हैं वो तो बने ही रहेंगे, आपके कुछ और रिलेशंस इस सप्ताह बन सकते हैं, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल, और वो रिलेशंस आपके आगे तक काफ़ी चलेंगे, जिसके कारण आपकी हैप्पीनेस काफ़ी बढ़ेगी, आपकी खुशियाँ काफ़ी बढ़ती रहेंगी, और ये रिलेशंस हो सकता है आगे कई जनरेशन तक भी जाए। तो इसका आप मतलब भी समझ सकते हैं कि कोई ऐसा रिलेशनशिप भी आ सकता है, यानी कि मैरिज अलायंस भी हो सकता है। ओके, कुल मिला के एक्वेरियस राशि वालों के लिए करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, रिलेशंस का बहुत अच्छा कार्ड है। अब देखते हैं कि हेल्थ को लेके क्या स्थिति है। तो हेल्थ के लिए कार्मिक कार्ड निकला है, जस्टिस कार्ड निकला है, जो कि ये बताना चाह रहा है कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, अगर नहीं रख रहे हैं तो अच्छी नहीं रहेगी। तो आप कहेंगे तो सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ये तो है ही है, पर नहीं, पर्टिकुलरली है कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करो। कुछ लोग होते हैं जिम ज्वाइन कर लेते हैं, फीस दे देते हैं, जाना बंद कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि साहब थोड़ा देर योगा सेंटर गए, उसके बाद जाना बंद कर दिया कि साहब हम बिजी हो गए, घर पे प्रैक्टिस शुरू की उसके बाद बंद कर दिया। नहीं, बंद नहीं करना है, आप बंद कर दोगे तो आपकी सेहत खराब होने लग जाएगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि कार्ड बहुत ही अच्छा निकला है, अगर आप उसको अच्छे से पालोगे पोसोगे अपनी हेल्थ को, वो आपको बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर भी देगा, हेल्दी ग्रोथ भी देगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एक्वेरियंस, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, सॉरी, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोल्ड एंड द जजमेंट। तो पाइसेस राशि वालों के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं करियर की। तो करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, गुड न्यूज है। जैसे कि अगर हम एक्वेरियस की बात करें तो उनको तो बहुत गेन डायरेक्ट होता दिखाई दे रहा था, आपकी नई नई चीज़ें शुरुआत होती दिखाई दे रही हैं पाइसेस राशि वालों के लिए, यानी कि नया जॉब, नए बिजनेस, नई ग्रोथ, नया नई ज्वाइनिंग, नई प्रमोशन, नई प्लेस, सब कुछ, कई चीज़ें आपकी नई हो सकती है, नई खुशियाँ, नई प्रॉस्पेरिटी आपकी, ये जो कुछ भी आपको, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब में हो, किसी के अंडर में काम कर रहे हो, या आपके अंडर में कुछ लोग हों, आपकी आप फैक्ट्री ओनर हो या शोरूम ओनर हो, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, कुछ भी है, इस सप्ताह आप नोट करिए आपकी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, है ना। तो आप कोशिश करिए कि जो जो आप अच्छा कर रहे हैं उसको और अच्छा करें, जिससे कि आपकी ग्रोथ और अच्छी हो, राइट। कुल मिला के बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है पाइसेस राशि वालों के लिए करियर को लेके। जो जो आपने सपने संजोए थे अपने, जो सोचा था ये मिल जाएगा, वो इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, मम्मी पापा देख रहे हैं तो बच्चों को जरूर बोलें वो अपना देखें, या वो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, उनको सुना सकते हैं अपने साथ बैठा के। तो यस, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड निकला है मीन राशि वाले बच्चों के लिए। अगर उन्होंने कुछ कहीं अप्लाई किया हुआ था कॉलेज में, उनका एडमिशन होता दिखाई दे रहा है, उन्होंने किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया था, उस कोर्स में उनको सैंक्शन मिलती दिखाई दे रही है। कुछ अगर उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ तो उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। कुल मिला के बहुत अच्छा है, कुछ नई शुरुआत बच्चों होने जा रही है आपकी लाइफ में एजुकेशन को लेके। तो उस जो नई शुरुआत है ना, उसको उसी अंदाज में लीजिएगा, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो दिन भर खूब चमकता है, आपको भी चमकना है। ये जो आपकी लाइफ में नई ग्रोथ आ रही है, नई चीज़ें आ रही है, इन्जॉय दैट थिंग। अब अगर मैं रिलेशंस की बात करूँ पाइसेस राशि वालों के लिए, अगेन रिलेशंस का भी बहुत अच्छा कार्ड है।
आपके कहीं ना कहीं रिलेशंस नए बनते दिखाई दे रहे हैं, पर वो जो रिलेशन आ रहे हैं आपके, डोंट एक्सपेक्ट कि वो कोई रोमांटिक रिलेशन होंगे, रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे, पर वो जो व्यक्ति है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो एक अलग लेवल से आपके साथ जुड़ रहे हैं। अलग लेवल का मतलब है वो प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, वो है कि आप अच्छे हो इसलिए आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा है इसलिए आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हो इसलिए आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप अच्छे डिपार्टमेंट में हो, अच्छा काम करते हो इसलिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, पर यस रिलेशंस आपके अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशंस। अब अगर बात करें हेल्थ की, तो अगेन कार्मिक कार्ड है पाइसेस राशि वालों के लिए, कि आपने जो पिछले टाइम में महीना, दो महीना, चार महीना, यानी कि आप यूं कहो कि ड्यूरी पैंडमिक, आपने अपनी सेहत के साथ जो जो किया वो आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपने अपनी केयर की थी, यू विल रिमेन हेल्दी। अगर आपने अपने को इग्नोर किया सेहत को, आपको सेहत बताएगी कि बेटा इग्नोर करना आपको भारी पड़ रहा है, आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने अपने सेहत को ख्याल नहीं रखा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो आप ये मेरा आज वीडियो सुन रहे हैं इसके बाद से आप तुरंत कमिट कर लीजिए अपने से कि आज के बाद अपने लिए मैं सेहत का ख्याल रखूंगा, डेली मैं एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी, मेडिटेशन, योगा, जो कुछ भी आप करते हो जिसमें कंफर्टेबल हो उसको आप करिएगा। सो ये था टोटल पाइसेस राशि वालों के लिए, अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 30 अगस्त से 5 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल। इसको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने मिलने वाले उनको भी कहें कि वो आगे लाइक और शेयर करें। प्लस मेरा जो YouTube चैनल है, मेरा Instagram पेज है, मेरा Facebook पेज है, Twitter, LinkedIn, आप उसको भी फॉलो करें, क्योंकि उस पर मेरे दूसरे वीडियोस पढ़ते हैं, मोल से रिलेटेड है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, बहुत चीज़ें डलती हैं उसमें, वो आपको मिलती रहेंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।